नमस्कार, मैं प्रिया, धाराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को साल 2021 से 5 साल बढ़ाकर साल 2026 तक करने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी है। इस पर कुल लागत 93,068 करोड़ रुपए आने का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के आनंद में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए देखे गए, जहां उन्होंने कहा कि कृषि सेक्टर खेती किसानी के लिए आज का दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने देश भर के किसान भाइयों से आग्रह किया था कि प्राकृतिक खेती के राष्ट्रीय सम्मेलन से जरूर जुड़े। आज करीब करीब 8 करोड़ किसान देश के हर कोने से टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पंचायत चुनाव में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का पहला मामला दर्ज किया गया। चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में बरेला पुलिस ने पहली FIR दर्ज की है। मुख्य आरोपी बरेला जनपद पंचायत के पूर्व अध्यक्ष संजय पटेल को बनाया गया है। संजय पटेल ग्रामीण क्षेत्र में राजनीतिक तामझाम के साथ एक खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ करने चले गए थे। भारतीय स्टेट बैंक SBI से कर्ज लेने वाले ग्राहकों के लिए बुरी खबर है। बैंक ने अपने बेस रेट में 10 आधार अंक BPS का इजाफा किया है, यानी कि अब बैंक का बेस रेट 0.10% बढ़कर अब 7.55% होगी। इस कदम से SBI के मौजूदा उधारकर्ता के लिए ऋण थोड़ा महंगा होना तय है। नई दरें 15 दिसंबर 2021 से प्रभावी हो गई हैं। इसके पहले सितंबर में बैंक ने आधार दर को 5 आधार अंक घटाकर 7.45% कर दिया था। प्राकृतिक और जीरो बजट फार्मिंग पर गुजरात में 3 दिवसीय एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये सम्मेलन 14 दिसंबर को शुरू हुआ था, जिसका 16 दिसंबर यानी कि आज समापन होना है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हुए थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 6-7 सालों में किसानों की आय बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बृहस्पतिवार को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में अभी तक कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के 10 मामले सामने आए हैं और संदेह के आधार पर 40 लोगों को लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लखीमपुर खीरी की घटना पर SIT की रिपोर्ट आने के बाद गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को इस्तीफा देने के लिए विपक्ष ने सरकार पर दबाव बनाया है। गुरुवार को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विपक्ष अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा करने लगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बिजनेसमैन राज कुंद्रा द्वारा अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। वहीं शीर्ष अदालत ने उन्हें इस मामले में गिरफ्तारी से 4 सप्ताह की सुरक्षा प्रदान की है। करीब 1 दशक बाद हाई प्रोफाइल श्रीना बोरा केस में नया मोड़ आया है। श्रीना बोरा मामले में मुख्य आरोपी इंद्रानी मुखर्जी ने CBI को लिखी चिट्ठी में सनसनीखेज दावा किया है। मां इंद्रानी मुखर्जी का कहना है कि श्रीना बोरा जिंदा है। उनके मुताबिक श्रीना बोरा कश्मीर में है, हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। भारतीय क्रिकेट टीम आज साउथ अफ्रीका दौरे के लिए रवाना हुई। टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका दौरे पर 26 दिसंबर से 3 मैच की टेस्ट सीरीज और इतने ही मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है। टेस्ट के बाद वनडे सीरीज 19 जनवरी से शुरू होगी। टीम इंडिया मुंबई से सीधे दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए रवाना होगी। नहीं, आपको बता दें कि इससे पहले सीरीज की शुरुआत 17 दिसंबर से होनी थी, लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट के कारण सीरीज को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया था। नकद प्रबंधन कंपनी CMS इन्फो सिस्टम ने अपने 1100 करोड़ रुपए के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम में शेयरों के लिए मूल्य दायर 205 से 216 प्रति रुपए शेयर तय किया है। कंपनी ने बृहस्पतिवार को कहा है कि उसका IPO 21 दिसंबर को खुलेगा और 23 दिसंबर को बंद होगा। वही आंकर निवेशकों के लिए बोली 20 दिसंबर को खुलेगी। 16 दिसंबर और 17 दिसंबर को सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में देश भर के सरकारी बैंक हड़ताल पर है और 2 दिवसीय बैंक हड़ताल में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के 9 लाख से अधिक कर्मचारियों के भाग लेने की उम्मीद है। मालूम हो कि केंद्र ने साल 2021-22 के केंद्रीय बजट में घोषणा की थी कि साल के दौरान 2 PSB का निजीकरण करने का इरादा है। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यूक्रेन को सैन्य सहायता देना जारी रखे हुए है, जो देश में आंतरिक संघर्ष को बढ़ाता है। मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जोखारोवा ने कहा है कि नाटो देश यूक्रेन को हथियारों से आपूर्ति बढ़ा रहा है, अपने सैन्य कर्मियों को प्रशिक्षण दे रहा है, ऐसी स्थिरता सुरक्षा बनाए रखने के पौराणिक उद्देश्य से नहीं कर रहे हैं बल्कि ईंधन डालने का काम कर रहे हैं।
अमेरिका में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 8 लाख के पार हो गई है। ओमिक्रॉन के कहर के बीच ये आंकड़ा डराने वाला है। वहीं बुधवार को ओमिक्रॉन के 78,610 नए ओमिक्रॉन के केस मिलने पर हड़कंप मच गया है। गौरतलब है कि जान गंवाने वाले 8 लाख लोगों में से लगभग 75% यानी 6 लाख लोग 65 साल से अधिक उम्र के हैं। इसमें साफ है कि कोरोना बुजुर्गों के लिए अधिक खतरनाक और जानलेवा साबित हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 50वें विजय दिवस के मौके पर पहले तो जवानों को नमन किया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि 1971 का भारत पाकिस्तान मुकाबला भारतीय सेना के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय है। भारत ने इसमें पाकिस्तान को मात दे दी थी। इसी के बाद बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। इस दिन को विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दौरान सिंह ने शहीद हुए सैन्यकर्मियों को श्रद्धांजलि भी दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यसभा में ये सूचित किया है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय IIT और IIM में 10,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार की तरफ से साल के अंत का उपहार है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखीमपुर खीरी मामले में विशेष जांच दल के आवेदन की पृष्ठभूमि में वीरवार को आरोप लगाया है कि गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा को बर्खास्त करने से इनकार करना केंद्र सरकार के नैतिक दिवालियापन का सबसे स्पष्ट संकेत है। उन्होंने यह भी कहा है कि मिश्रा को बर्खास्त कर उनके खिलाफ कानून के मुताबिक मामला दर्ज होना चाहिए। हरनाज संधू के मिस यूनिवर्स बनने के बाद उनको बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी हरनाज के साथ एक सेल्फी शेयर करते हुए उनको बधाई दी। वहीं थरूर के पोस्ट के बाद यूजर्स ने उन्हें खूब बुरा भला भी कहा है। जैसे ही थरूर ने यह तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की, वैसे ही यूजर ने अजीबोगरीब रिएक्शन दिए। थरूर ने ट्वीट किया कि मिस यूनिवर्स हरनाज संधू को विजयी होकर भारत लौटने पर बधाई देते हुए खुशी है। वो नए साल की छुट्टियों के लिए भारत वापस आने से काफी उत्साहित है। यकीनन भारत उनका स्वागत करते हुए गर्व महसूस कर रहा है। ऑटो सेक्टर में इसी साल सबसे ज्यादा बज क्रिएट करने वालों में से एक ओला स्कूटर की डिलीवरी शुरू हो चुकी है। इसे बनाने वाली कंपनी ओला इलेक्ट्रिक ने इसकी लॉन्चिंग से ठीक 4 महीने बाद इसकी पहली यूनिट की डिलीवरी की है। इससे पहले कंपनी के CEO भविष्य अग्रवाल ने ट्वीट करके इसी महीने से इसकी डिलीवरी शुरू होने की जानकारी दी थी। उत्तराखंड की सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी गुरुवार को मिशन 2022 का आगाज करते देखे गए। राहुल गांधी देहरादून के परेड ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करते देखे गए। ज्ञात हो कांग्रेस 16 दिसंबर को विजय दिवस के मौके पर सैनिक सम्मान कार्यक्रम में राहुल गांधी को उतारकर उत्तराखंड चुनाव में राष्ट्रवाद के एजेंडे को सेट करने का प्लान बना रही थी, ताकि प्रदेश के सैनिक परिवार के वोटों को अपने पाले में लिया जा सके। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बांग्लादेशी समकक्ष अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री शेख हसीना को राष्ट्रपति भवन की बेकरी में बनी मिठाइयां, केक और नमकीन सद्भावना के तौर पर भेंट की है। इससे दोनों पड़ोसी देशों के रिश्ते को अपनेपन का स्पर्श मिलेगा और शीर्ष नेताओं के संबंध प्रगाढ़ होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 50वें विजय दिवस पर आयोजित समारोह में भाग लेने के लिए 3 दिवसीय बांग्लादेश आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को दिल्ली NCR के वायु प्रदूषण के मामले पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि स्कूल फिर से खोलने और निर्माण गतिविधियों पर लगे बैन को हटाने पर कल तक फैसला लिया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने कहा है कि आज की वायु गुणवत्ता बहुत खराब है। केरल उच्च न्यायालय ने सबरीमाला में भगवान अयप्पा मंदिर में प्रसादम और अन्न दानम तैयार करने के लिए आवश्यक कच्चे माल को लाने वाले ट्रैक्टरों के ट्रैकिंग पथ पर चलने का समय तय किया है और पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि इन वाहनों को लापरवाही से नहीं चलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा राजधानी में प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य न्यायाधीश NV रमन, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने आयोग से दिल्ली में प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए स्थायी समाधान खोजने के लिए आम जनता विशेषज्ञों से सुझाव आमंत्रित करने को कहा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 8,479.53 करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया है। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के 4 महीनों के लिए 1,68,903.23 करोड़ रुपए का लेखानुदान भी विधानसभा में प्रस्तुत किया है। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के बजट पेश करने के दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के विधायक विधानसभा अध्यक्ष के आसन के समक्ष आकर प्रदर्शन करने लगे। एक अध्ययन के अनुसार कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा और मूल COVID-19 स्ट्रेन की तुलना में 70 गुना तेजी से संक्रमित करता है, लेकिन बीमारी की गंभीरता बहुत कम होने की संभावना है। अभी तक होने वाला सहकर्मी समीक्षित अध्ययन इस बारे में पहली जानकारी प्रदान करता है कि चिंता का प्रकार मानव श्वसन पथ को कैसे संक्रमित करता है।
ऐसा लगता है कि गूगल उन कर्मचारियों के साथ बहुत ही सख्त है जो कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। गूगल ने अपने कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि अगर वो कोविड 19 वैक्सीन नहीं लगवाते हैं तो उन्हें सैलरी नहीं मिलेगी और आखिर में कंपनी से निकाला भी जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने कथित तौर पर कर्मचारियों को एक मेमो जारी कर दिया है जिसमें उन्हें वैक्सीन डोज की डिटेल नहीं मिलने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान मथुरा ने छाता विधानसभा पहुंचे हैं और उन्होंने कहा कि काशी और अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है। मथुरा में भी अब विकास की बारी है। मंत्री ने कहा है कि मथुरा में भी अब कुछ बड़ा हो जिसे दुनिया देखने के लिए आए। उन्होंने लोगों से कहा कि एयरपोर्ट आपके पास बन रहा है, ताजमहल देखने के लिए लोग आगरा चले जाएंगे, लेकिन जिन लोगों की धर्म में आस्था है, जो भगवान श्री कृष्ण और राम का नाम लेकर बड़े हुए हैं, वो मथुरा आएंगे। देश में ओमिक्रॉन के केस लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक भारत में 73 केस सामने आ चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा 32 केस महाराष्ट्र में सामने आए हैं। बुधवार को यहां 4 नए केस मिले जिसके बाद मुंबई में धारा 144 लागू कर दी गई है। धारा 144 16 दिसंबर से 31 दिसंबर आधी रात तक रहेगी। इसका मतलब ये है कि मायानगरी में न्यू ईयर का जश्न फीका पड़ सकता है। धारा 144 का ऐलान होने के साथ ही मुंबई पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन में लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 के स्वतंत्रता दिवस संबोधन में ऐलान किया था कि देश में महिलाओं की शादी की न्यूनतम उम्र को 18 साल से बढ़ाकर 21 किया जाएगा। करीब साल भर बाद पीएम मोदी ने अपने ऐलान को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सुरेंद्र कुमार, अनवर हुसैन, टॉप एस के भोजपुरी एंड टेक्निकल, जनार्दन सिंह, संतोष यादव, जितेंद्र ठाकुर, नुन्नू कुमार, भगवान मिश्रा, ब्रजेश यादव, राजकुमार, दीपक कुमार, दृष्टि कुमारी, कृष्णा दुबे। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार उत्तर प्रदेश में भाजपा एक बार फिर से जीत दर्ज करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।